दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिकल डी हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, जैसे ये कौन सी कंपनी की दवा है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसके फायदे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका और इसके डोजेज क्या हैं और इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिकल डी टैबलेट के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको सन फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एलिमेंटल कैल्शियम 400 mg, ग्लाइसिन 10 mg और विटामिन D3 400 IU होता है। अब हम लोग इस टैबलेट के फायदे यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए डिकल डी टैबलेट बहुत लाभकारी है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूती देने के लिए या हड्डियों में किसी तरह का नुकसान हो गया है उसे ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स के कारण जो हड्डियों में नुकसान होता है उसे भी ये दवा ठीक करती है। इसके अलावा शरीर के मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे मांसपेशियों का निर्माण और रिकवरी, मांसपेशियों में हो रहे नुकसान का इलाज और मांसपेशियों में हो रहे ऐंठन को भी कंट्रोल करने के लिए ये दवा बहुत उपयोगी है। और इसके अलावा ये दवा शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। तो दोस्तों इस टैबलेट के नॉर्मली इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस दवा को रेकमेंड कर सकते हैं। अब हम लोग इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा लगे कि इस दवा के यूज करने से हमको प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम लोग इस टैबलेट के इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस दवा को दिन भर में केवल एक बार, चाहे वो सुबह हो या फिर शाम, भोजन या नाश्ता करने के बाद एक गोली नॉर्मल वाटर के साथ लेना है। इस दवा से बेहतर रिजल्ट के लिए इसे सही समय पर डेली नियमित रूप से लिया करें। किसी किसी को डॉक्टर ये दवा लंबे समय तक यूज करने के लिए बोल सकते हैं, मतलब 2 से 3 महीने तक या फिर उससे भी अधिक। और अब हम लोग डिकल डी टैबलेट के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 125 रुपया पर 10 टैबलेट है, यानी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं। ये टैबलेट आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।